नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा, अगर आपकी लाइट पर, रियर टेल लाइट पर पानी आ रहा है ऐसे, तो उसको आप घर पर ही कैसे ठीक करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में हम इस लेंस को इस लाइट से अलग करेंगे एक बहुत ही सिंपल DIY से, क्योंकि इस लाइट को बहुत गर्म करना पड़ता है। तो अगर आपके पास बड़ा ओवन नहीं है घर पर, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप खुद का ओवन कैसे बना सकते हो, ताकि आप इस लाइट की पेस्टिंग को आराम से हटा सको। तो ये लगभग हर लाइट के लिए होता है। अगर आपके पास BMW, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी है, तो सारी लाइटों का प्रोसीजर लगभग सेम होता है। सो कोई भी टेल लाइट निकालनी हो, चाहे वो BMW हो, चाहे किसी भी गाड़ी की हो, उसके पीछे 3 नट होते हैं जो उसको रोके रखते हैं। और इस केस में अगर मैं इस प्लास्टिक कवर को यहाँ से निकालूँ, सो यहाँ पर जो नट हैं इसके पीछे ये है लाइटों के, उसको निकालने के बाद हम इस लाइट को निकाल सकते हैं। सो क्योंकि ये थोड़ा कोने में है, यहाँ पर सीधा स्क्रू ड्राइवर या कुछ नहीं आता, तो मेरी टूल किट में ये वाले बिट है, इससे अगर मैं टेढ़ा यहाँ पर डालूंगा तो इस नट को हम फिर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो ये कौन सी टूल किट है, ये है स्टैनली की एक टूल किट जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। अगर आप ये टूल किट लेना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड हो सकता है, तो हम जो पीछे वाले बोल्ट हैं उसको आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी जगह है जहाँ पर नट को ढंग से हम हाथ नहीं लगा सकते, और अगर नट नीचे गिर जाए, तो मैं इस टाइप का कोई मैग्नेटिक पिकअप टूल यूज़ करता हूँ, ताकि कोई नट वगैरह नीचे गिरे तो मैं उसको आराम से उठा सकता हूँ। और अगर आपके पास स्कॉर्पियो है, तो इसके पीछे 10 mm के हैं ये नट। सो ऐसे लाइट निकालने के बाद जो कनेक्टर आपकी गाड़ी पर होंगे उनको आप डिसकनेक्ट करो, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एज यू कैन सी पानी यहाँ से लीक कर रहा था, और बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स आप इस एरिया को जहाँ जहाँ अगर कनेक्टर आपके में है, क्योंकि इसके अंदर LED है, अगर आपकी लाइट में LED वगैरह हैं तो आपको एक कनेक्टर मिलेगा जिसको आप नहीं डिसकनेक्ट कर सकते, तो इसको आपको टेप डाउन करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी इस लाइट में सारे के ही पानी जा रहा था, क्योंकि ये शीशा एक बार पहले रिप्लेस हुआ था, और मैं ये नहीं कहूँगा बट वो किसी कंपनी में से आदमी था जिसने इसका शीशा रिप्लेस किया था, बट एज यू कैन सी वो ढंग से नहीं किया उसने। तो इवन कि अंदर ये आप देख सकते हो जो काई बोलते हैं, पानी जहाँ पर ज़्यादा देर रह जाता है, वो होने लग गया था इसमें। सो इस ग्लू को सेपरेट करने के लिए हमको बेसिकली इसको एक कॉन्स्टेंट हीट में रखना पड़ेगा, जैसे ओवन में। बट अगर आपके घर पर इतना बड़ा ओवन नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके घर वाले लाइट को नहीं रखने देंगे आपके ओवन में, तो मैंने एक वेबसाइट पे कल देखा, और मैंने 2-3 वीडियोस भी पहले देखी हुई थी बहुत साल पहले, तो ये एक DIY ओवन है आपके लाइट वगैरह के लिए। तो इसको करने के लिए आपको एक सिल्वर फॉयल से पूरा नीचे का बेस उससे कवर करना पड़ेगा, और एक डिफ्यूज़र लगाया मैंने ऐसे टेढ़ा, ताकि हवा यहाँ पर हिट हो और ऐसे घूम के लाइट पर आए। अगर सीधी लाइट पर आएगी तो जो इसका प्लास्टिक है वो एक साइड से गर्म होगा, इवनली गर्म नहीं होगा, ताकि टेम्परेचर को हम अंदर मेंटेन कर पाए, मैंने ऊपर ये फॉयल्स लगाए हैं। तो मैंने एक हीटर का यूज़ किया है ये बॉक्स, तो यहाँ पर आप अपना हेयर ड्रायर ऐसे लगाकर छोड़ दोगे, और हम अपनी लाइट को यहाँ पर रखेंगे ताकि ये ऊपर फेस करें। तो हम इस थर्मामीटर से इसका मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, बेसिकली 120 डिग्री सेल्सियस तक हमको इसको गर्म करना है, और उसको 8-10 मिनट के लिए मेंटेन करना है। इतना टाइम बहुत होगा इसको, इसकी ग्लू को लूज़ करने के लिए। उसको हम फटाफट और अपने 2-3 टूल्स ऐसे ऐसे से इसको हम धीरे धीरे इसके प्लास्टिक को अलग करेंगे। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ यार, आपको क्या लगता है ये काम करेगा या नहीं। बिना आगे वीडियो को देखे आप अभी नीचे जाके कमेंट करो, क्या आपको लगता है कि ये इफ़ेक्टिव रहेगा जो मैंने आज बनाया। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट देख रहा है तो वो मेरे को बता सकता है। मैं पर्सनली साइंस का स्टूडेंट नहीं हुआ, मैं कॉमर्स स्टूडेंट, बट ये बेसिक नॉलेज है अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो कि आप ओवन कैसे काम करता है। तो चलो ट्राई करते हैं कि आज हम इसको सेपरेट कर पाते हैं या नहीं, और 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना हमको, मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस पर। अगर फ़ारेनहाइट है तो वो अराउंड 240-250 फ़ारेनहाइट के अराउंड रहेगा वो। और ऐसे बंद करने के बाद के बॉक्स में भी ऐसे गैप रहता है, तो कोई भी आप कार्डबोर्ड को ऐसे रख सकते हो। हमको बिल्कुल परफेक्ट नहीं करना इसको बंद, ताकि थोड़ी थोड़ी हवा यहाँ से निकलती रहे।
तो चलो देखते हैं ये काम करता है या नहीं, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं फेल होऊंगा या ये काम करेगा। सो जब 120 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप बस अपने फैन स्पीड को लो पे कर देना, तो ये मेंटेन करेगा उतना टेम्परेचर। सो समन से निकालते ही ये ग्लू एक मिनट तक थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, तो हमको जल्दी जल्दी काम करना है। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पानी इतने हिस्से में पानी रहने से ये वाला हिस्से पर जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं काई जमने लग गई थी, और नीचे के जो क्रोम पीस है ये भी थोड़ा फेडेड लग रहा है। तो अब हम इस सारे लाइट को ढंग से साफ़ करेंगे, पुरानी ग्लू को निकालेंगे नई ग्लू लगाने से पहले। तो अगर आपको ये वाला हिस्सा पेंट करना है दोबारा, तो यहाँ पर पीछे ये तीन नट हैं, इसको खोल कर आप इसको पेंट कर सकते हो, बट मैं इसको अभी फ़िलहाल पेंट नहीं करूँगा क्योंकि दोनों साइड ढंग से मैच नहीं होगा, दूसरी साइड की भी खोलनी पड़ेगी मेरे को, और वैसे भी मेरे को दोनों लाइटें रिप्लेस करनी हैं S11 में जो लाइट आई हैं उससे। तो जब तक मैं लाइटें नहीं रिप्लेस करता जब तक के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। क्योंकि पीछे यहाँ पर भी पानी गया होगा तो इसको अभी हम साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ भी पानी गया है और यहाँ पर भी, और ये कोरोजन की वजह से ये लाइट थोड़े दिनों में ख़राब भी हो सकती है क्योंकि ये LED है। तो यहाँ पर जैसे कोरोजन है इसको अभी हम साफ़ कर देंगे तो ये लाइट आगे तक चलती रहेगी, और कभी फ्यूचर में अगर मेरा मन करा तो दोनों लाइटों को खोल कर इसको एक जैसे कलर का पेंट करना भी वह मुश्किल नहीं है। तो मैं ये वाला सिलिकॉन आज यूज़ कर रहा हूँ इसको सील बैक करने के लिए, और अगर आप कोई ऐसी बॉटल मंगाते हो अमेज़ॉन से तो एक इस टाइप का आपको टूल भी मंगाना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। और मेक श्योर जब आप लाइटें वगैरह कर रहे हो, अगर आपकी लाइटें ब्लैक हैं तो ब्लैक कलर का ही सिलिकॉन मंगवाना। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस सारे एरिया को ढंग से साफ़ कर दिया है, अंदर बाहर से पुराने कोई भी ग्लू रेजिड्यू नहीं है। और अगर आप यहाँ का सोच रहे हो तो ये प्लास्टिक है और जो मेन ग्लू थी वो सारी मैंने उतार दी थी। सो हम सिलिकॉन को ऐसे साइड पर पूरे एजेस को कवर करेंगे, उसके बाद ही हम ग्लास लगाएंगे, और ग्लास लगाने के बाद इसको हम जिप टाई से टाई करके छोड़ देंगे कम से कम भी 5-7 घंटे के लिए, ताकि ये सारी ड्राई हो जाए। तो अब ये लाइट सारी मैंने वापस कर दी है, अब इसको हम वापस गाड़ी में लगाएंगे। तो जब आप हेडलाइट पर या टेल लाइट पर पेस्टिंग लगा दो एक बार, उसके बाद उसको दोबारा ओवन में 3-4 मिनट के लिए रखना, तो जो जो ग्लू अभी हमने लगाई है वो मेल्ट होके जो जो एरियाज बचे हैं अंदर उसमें चली जाएगी। वो मेल्ट होने के बाद आप इस लाइट को बांध कर कम से कम आधा एक घंटा रख देना, उसके बाद आप इसको अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। सिलिकॉन खरीदोगे उसके पीछे लिखा होगा कि कितने टाइम तक पानी नहीं डालना, तो 1-2 दिन कम से कम 24-48 आवर्स गाड़ी को धोना मत और इस लाइट पर पानी मत लगने देना। तो चलो अब इसको हम वापस लगा के चेक करते हैं। ये वाला बोर्ड था इस लाइट के LED के पीछे, इसके कोरोजन को मैंने ढंग से साफ़ कर दिया था, शायद मैं फ़ोटो लेना या वीडियो लेना भूल गया, बट वो बोर्ड पूरा ढंग से साफ़ हो गया था, तो आई एम श्योर कि वो बोर्ड चल जाएगा। एटलीस्ट अगर पूरी LED नहीं चली तो कम से कम थोड़ी बहुत तो LED चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम तक पानी में रहने से इलेक्ट्रिसिटी बार बार उस बोर्ड में जा रही थी और कांस्टेंट पानी था तो बोर्ड पर कोरोजन आ गई थी। तो लेट्स सी अगर इसको हम आज ठीक कर पाए होंगे, और अब इसको हम वापस गाड़ी में लगाते हैं।
सो जो मदरबोर्ड रिपेयर किया था वो हमने वो इस पर किया था और हाफ एलईडी चल गई, हाफ अभी नहीं चली क्योंकि वाटर लाइन बिल्कुल यहाँ तक रहती थी इसके अंदर, तो इतनी चलना भी बहुत है क्योंकि वो मदरबोर्ड पर बहुत ज़्यादा कोरोजन थी। और मैंने ये वाली थोड़ी सी यहाँ पर सिलिकॉन जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि कोई दिक्कत होगी तो थोड़ी सी सिलिकॉन और लगा देंगे, अगर नहीं तो ये सारा हिस्सा साफ़ हो जाएगा क्योंकि सूखने के बाद ये एक रबर टाइप हो जाती है, तो बाद में ये हिस्सा साफ़ हो जाएगा। और सारे कोनों में मैंने इसको अभी ही साफ़ कर दिया है। तो ऐसे ही आप अपनी गाड़ी की कोई भी गाड़ी हो, वो BMW स्कॉर्पियो कोई भी हो, उसकी लाइटों को और उसकी टेल लाइटों को ऐसे ठीक कर सकते हो। हेडलाइट पर वीडियो बहुत हैं, टेल लाइट पर बहुत कम वीडियो है, तो इसलिए मैंने ये टेल लाइट की वीडियो बनाई थी। और वैसे ही मेरे को कस्टम टेल लाइट मंगवानी थी इसकी, तो ये जब तक मैं नहीं मंगवाता, ये लॉकडाउन है जब तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो यार, ध्यान रखो आप, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।